हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, आज ये मैं अपनी एरिका पाम को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो। इनको मैंने जो है एक प्लास्टिक के जो बकेट में लगाया है, और नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे जो है स्पाइडर प्लांट इनमें ग्रो हुए हैं। मैंने एक छोटी सी जो है रूट्स लगाई थी इनकी, इस तरह से जो इनके रूट्स निकल के आते हैं। तो ये अलग वाले वैरायटी के स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं इनके लीव्स। तो ये वाला पोर्शन मैंने कुछ अलग अलग प्लांट से सजाया है, तो मैं उनको दिखाऊंगी आप लोगों को। तो एरिका पाम से जो है आगे यहाँ एक प्लांट है, इनका नाम मुझे नहीं आता है, बट इनके आप पत्तों का वेरिएशन देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए आप इनके पत्तों के जो है बैक साइड में आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल लाइट पिंक कलर के शेड्स आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे प्लांट हैं, उनको ग्रो करना बहुत ही इजी है। तो और यहाँ कुछ एलांट्रा के प्लांट्स हैं, सॉरी एरेंथेमम। तो इनमें रेड कलर के जो है फ्लावर्स खिलते हैं, अभी विंटर्स में शायद खिलेंगी। और यहाँ आपको देसी वाले जो रोज़ हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, आज नहीं खिले हैं। और यहाँ ऊपर मैंने एक बटरफ्लाई प्लांट लगाया है, एक छोटे से प्लास्टिक बॉटल्स में मैंने इनको ग्रो किया है, आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो। और इतने प्यारे फूल आए हैं दोस्तों। और यहाँ नीचे मैंने कुछ, ये भी पाम की वैरायटी है, बहुत कांटेदार होते हैं ये पाम, तो इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है, नए नए लीव्स जो है निकल के आ रहे हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ भी मैंने फॉर्न को डिवाइड किया था, तो उन्हीं को मैंने यहाँ लगाया है। और यहाँ देखिए बिल्कुल ऑरेंज कलर का जो है, हल्का सा एक आपको शेड दिखाई दे रहा होगा वाइट, ये इम्पेशंस का प्लांट है दोस्तों। इनको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, अभी बहुत सारे जो है यहाँ से बेबी प्लांट्स निकल के आ रहे हैं। इनको ग्रो करना बहुत ही ईजी है, आप इनको तोड़ के लगा सकते हैं दोस्तों। और ये एक नया प्लांट है, इनका नाम मुझे नहीं आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, अभी इनकी ग्रोथ चल रही है। और यहाँ तो ये पेंडमस है, ये भी धीरे धीरे जो है अपनी ग्रोथ पकड़ रही है, आप देख सकते हो नए नए लीव्स जो है आ रहे हैं। और यहाँ तो कुछ मैंने सैकुलेंट प्लांट को रखा था। और यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों, कलेथिया देखिए बहुत ही अच्छे से जो है इनकी ग्रोथ चल रही है, इसमें फ्लावर्स भी आए हैं देखिए पर्पल कलर के, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये प्लांट। और इसने जो है मेरा पूरा गमला जो है कवर कर लिया है। और ये मिनिएचर वाले फर्न है, इन्हीं से डिवाइड करके मैंने यहाँ पे एक फर्न ग्रो किया है। और ये कुछ सिंगोनियम मैंने हैंगिंग बास्केट्स में तैयार किया है, और यहाँ कुछ पर्सलिन के प्लांट्स हैं, और ये अभी ग्रोथ अभी धीरे धीरे हो रहे हैं ये। और यहाँ पे ये स्टिक प्लांट है, बिल्कुल आपको सिर्फ चारों तरफ ये जो है डंडे ही डंडे दिखाई देंगे, बहुत ही यूनिक लुक्स है ये प्लांट का। तो ये भी इनका स्टेम देख सकते हो आप, ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है, बहुत ही बढ़िया से जो है इनकी ग्रोथ चल रही है। आप इनकी हाइट 5 फिट तक की हो चुकी है। और इस साइड में मैंने कुछ फर्न्स रखे हैं, और यहाँ मैक्सिकन पिटूनिया भी खिला हुआ है। और यहाँ कुछ इम्पेशंस के फ्लावर भी खिले हुए हैं। तो आगे चलिए दोस्तों, और यहाँ आप देख सकते हो यूफोर्बिया मिली के बहुत ही सारे फ्लावर्स खिले हैं, बिल्कुल गुच्छों में। और ये प्लांट मेरा बहुत ही छोटा प्लांट है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, देखिए अभी विंटर्स में जो है ये पूरे जो है भर जाते हैं फ्लावर्स से, तो अभी मैं इनमें खाद डालूंगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।